गाइस वेलकम बैक द अनदर वीडियो. सो वी आर गोइंग टू वृंदावन गार्डन दैट इज़ इन मैसूर कर्नाटक. सो फ्रॉम हियर वी टुक द टिकट एंड हियर वी एंटर. एंड गाइज ये गार्डन बहुत बड़े एरिया में बना था, मतलब अगर कोई इंसान 2-3 घंटे अच्छे से घूमे तब जाके इस पूरे गार्डन को कवर कर पाएगा. तो यहाँ पे सब लोग सेल्फीज़ वगैरह ले रहे थे एंड यहाँ पे एक राधे कृष्ण जी की स्टैचू बनी हुई थी जहाँ पे लोग फोटोज़ क्लिक करवा रहे थे. यही स्टैचू है एंड वो जो आपको पीछे दिख रहा ग्रीन कलर का वो मंदिर था. ये चीज़ें पूरा आगे तक बनी हुई थी. यहाँ पे भी लोग बैठ के अपना फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे थे और इनको देख लो कितना आगे है मुझसे. ऐसा लगा किसी और के साथ घूमने आए. रुक जाओ भाई. एंड यहाँ पे गाइस हम लोग एक दूसरे से बकवास करते हुए गाइज ये जो ब्लैक शर्ट में अंकल हैं इन्होंने मेरे फोटो तो हम लोग का फ़ोटोज़ क्लिक किया था एंड हमने भी इनका फ़ोटोज़ क्लिक कर दिया था क्योंकि बेचारे अकेले ही फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे फ़ोन को नीचे रख रख के. अरे दीदी अरे कहाँ बैठ रही हो. एंड गाइज दिस इज़ कावेरी डैम. उनको देख लो बस वो अकेले ही जा रहे हैं. मुझे छोड़ को इतना आगे भाग रहे कुछ पता नहीं खो गई ना तो ठीक. हेलो है हेलो खो जाऊंगी फिर ढूंढते रहना मुझे. सुनो हेलो ए सुनो इतना आगे क्यों भाग रहे हो. ये स्लो हो गए मतलब कभी आगे भागना कभी और पीछे रह जाना. RS. और ये बोलता है कृष्णा राजा सागर डैम. और ये कहाँ से आई है मतलब फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स. कावेरी कावेरी भागम मतलब कोर्ग से. कोर्ग से हाँ कोर्ग से पूर्व तलकावेरी तलकावेरी से वाटर स्टार्ट इधर से और डैम मैसूर से. सेकेंड वन मेट्टुपाळ्या तमिलनाडु. थर्ड वन डैम तमिलनाडु. तीन डैम में वाटर से कावेरी वाटर. दिस इज सो ओल्ड डैम. पूरा वर्कर पूरा तमिलनाडु से वर्कर. अगर आपको इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो मैं बता दूं इनका कहना है कि जो इस डैम को बनाया है वो तमिलनाडु के इंजीनियर्स ने बनाया है. एंड गाइस घूमते घूमते थोड़ा शाम हो गया था तो हम फिर ये म्यूजिकल फाउंटेन देखने आ गए थे क्योंकि ये इस टाइम स्टार्ट होता है थोड़ी सी शाम में. हम बस स्टार्ट होने के 1 मिनट बाद पहुंचे थे और यहाँ पे लोग अब देख सकते हो इतने सारे लोग हैं. उधर बैठने का भी है मतलब आप बैठ के एंड कुछ अपने पास स्नैक्स लेके भी इंजॉय कर सकते हो म्यूज़िकल फाउंटेन को. तो इसी से बेसिकली यही थी यही चीज़ था यहाँ पर. एंड ये आप जब पूरा गार्डन घूम लोगे तो फिर बहुत आगे जाओगे तब जाके आपको ये चीज़ें मिलेगी. एंड फिर हमने इसको इंजॉय किया.
एनीवेज हम लोग म्यूज़िकल फाउंटेन देखने के बाद वहाँ से निकल गए थे और काफ़ी शाम भी हो गई थी। देख सकते हो आप, जब हम लोग आए थे तो पूरा एकदम ब्राइट था एंड अब ये लाइट जली है एंड पूरा डैम का भी लाइट्स जल गया था और इसी से बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब पता नहीं वीडियोज़ में आपको अच्छी लग रही होगी नहीं, बट सीरियसली मतलब रियल में ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड गाइज, आप यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो। एंड गाइज, यहाँ पर बहुत रश था, मतलब इतनी सारी कारें थी ना, वो सॉल्व हो गई थी। काफ़ी अच्छा प्लेस भी था तो हमने इस प्लेस को विज़िट किया, हमें बहुत अच्छा लगा एंड फिर हम यहाँ से रिटर्न हो गए और ये काफ़ी दूर तक ना ऐसी लाइट दिख रही थी हमें। सो गाइज, बाय बाय एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर न्यू वीडियो।